चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आप सबको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका हमने कुछ पार्ट कर लिया था। तो हमने पेज नंबर 75 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रामूज मेजरिंग बॉटल, कि रामू की मापने वाली बॉटल। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रही है रामू की मेजरिंग बॉटल। रामू गॉट एन एम्प्टी 250 ml कोकोनट ऑयल बॉटल, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग मेजरिंग बॉटल। तो आप सबको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या बोला गया कि रामू ने अपनी एक खाली 250 यानी कि 250 ml कोकोनट ऑयल बॉटल ली। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, मतलब उसमें से कोकोनट ऑयल खत्म हो गया, तो उसने खाली 250 ml की बॉटल ली। एंड लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग मेजरमेंट बॉटल। तो आपने पिक्चर को देखो आप और बताओ कि उसने इस बड़ी सी मेजरमेंट बॉटल को बनाने के लिए क्या किया होगा या उसने कैसे बनाई होगी। तो आपको ये बोला गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये एक्टिविटी करने के लिए दूं कि आपने एक बॉटल बनानी है, जिस मेजरिंग बॉटल का मतलब है कि जिसके ऊपर लिखा हो कि यहाँ तक 250 ml है, यहाँ तक 500 ml है, यहाँ तक 750 ml है और यहाँ तक 1 liter, तो आपने ऐसी बॉटल बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे? तो जो कोकोनट ऑयल वाली बॉटल है आप उसके अंदर पानी डालोगे। ठीक है, और उस पानी को इस बड़ी सी बॉटल के अंदर उढ़ेल दोगे। ठीक है, अब जैसे आप उढ़ेलोगे जहां पर वो पानी की लेयर खत्म होगी वहां पे आप निशान लगा लोगे बाहर पेन से और लिख दोगे 250 ml, क्योंकि आपने 250 ml डाला है पर 250 ml ही उसके अंदर हुआ। ठीक है, फिर से हम इस बॉटल को भरेंगे पानी से और फिर से हम इस बॉटल के अंदर डाल देंगे बड़ी सी के अंदर, और जहां पर वो अगली लेयर आएगी उस पानी के खत्म होने की वहां पे हमने लिख दिया 500 ml। फिर अगेन डालेंगे तो नेक्स्ट आएगी 750 ml, अगेन डालेंगे तो 1 liter। क्यों? क्योंकि देखो जब आपने पहली बार डाला तो वो था 250 ml, जब दूसरी बार डालेंगे तो और 250 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 500। जब आप इसमें और 250 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, और 250 ऐड करोगे तो ये हो गया 750। ठीक है, और उसी तरह से आप उस 750 में और 250 ml वाटर डालोगे तो हो जाएगा 1000, जो कि होता है हमारे पास 1 liter के बराबर। तो ये मैंने आंसर आपको यहाँ पे लिख भी दिया गया है। आपने ये सारी की सारी स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेनी है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसके बाद जब आप आंसर लिख बैठो तो फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट लिखी है ही टुक द 250 ml कोकोनट वाटर एंड फिल इट विद वाटर। उसने क्या किया, 250 ml कोकोनट वाटर ली और उसको पानी से फिल कर दिया। ही देन पोर का मतलब होता है उढ़ेलना 1 bottle ऑफ वाटर इन बिग बॉटल। उसने जो है वो उस छोटी सी बॉटल को जो थी 250 ml की उसको बड़ी बॉटल में उढ़ेल दिया। एंड मार्क द वाटर लेवल, जो मैंने आपको बताया कि जो लेयर थी पानी की जहां पे खत्म होगा पानी वहां पे उसने 250 लिख दिया। ठीक है, उसने ही अगेन पोर, ये सी स्टेप हो गया, ही अगेन पोर 250 ml बॉटल ऑफ वाटर इन बिग बॉटल एंड मार्क द वाटर लेवल इन बिग बॉटल एज 500 ml। तो फिर उसने 500 के जैसे कर दिया। ठीक है, फिर अगेन फिल वाटर इन 250 ml। फिर आप डी पॉइंट के ऊपर चलेंगे कि उसने अगेन फिल किया विद द 250 ml बॉटल एंड पोर इट इन द बिग बॉटल एंड मार्क द वाटर लेवल इन द बॉटल एज 250 ml। तो उसने वैसे उसको 750 ml उसको मार्क कर दिया। फिर अगेन कंटिन्यू एडिंग, वैसे उसने ऐड किया वाटर को 250 ml एंड मार्क एट 1000 ml, और 1000 ml आपको पता है 1 liter के बराबर होते, तो उसने वहां पे मार्क कर दिया। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड में कि डूइंग दिस यू कैन प्रिपेयर योर ओन मेजरिंग बॉटल। अब ये सब करके आप खुद भी अपनी एक मेजरिंग टेबल बना सकते हो। तो ये सब के लिए एक एक्टिविटी हो गई करने के लिए, तो आप सभी वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है माई मेजरिंग बॉटल, फाइंड योर ओन वे टू मेक अ बॉटल विच कैन मेजर 200 ml। आपने क्या करना है, अपना तरीका ढूंढना है जिससे कि आप फाइंड योर ओन वे टू मेक अ बॉटल विच कैन मेजर 200 ml। आपने ऐसी बॉटल बनानी है जो कि 200 ml मेजर करे, 400 ml भी मेजर करे, 600 ml भी मेजर करे और 800 ml भी मेजर करे एंड 1 liter में। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड टीचर हाउ यू मेड इट। तो सेम है,
कि आपने वैसे ही, जैसे कि ये बॉटल आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसके ऊपर जो निशान लगे हैं वो 250, 550, 250, 500, 750 और 1 लीटर के ऊपर लगे हुए हैं। पर आपको बोलेंगे कि आपने जो बॉटल बनानी है उसके ऊपर जो निशान है वो पहला 200 पे होना चाहिए, दूसरा जो है आपका वो 500 पे होना चाहिए, और जो नेक्स्ट है आपका वो होना चाहिए 400 के ऊपर, नेक्स्ट जो है वो 600 के ऊपर, और जो नेक्स्ट है वो 800 के ऊपर, और जो लास्ट वन है वो 1000 ml के ऊपर होना चाहिए, वैसे बनानी है। तो सेम है, अब आप 250 की जगह यहाँ पे 200 ml की छोटी बॉटल ले सकते हो, और उस बॉटल के थ्रू आप बड़ी बॉटल के अंदर पानी डालते चलोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, पर आपने फिर से लिखना है, समझ गए आप सभी बच्चे? जैसे मैं यहाँ पे 200 कर दूंगी, ये बन गया 200, ठीक है, 200 ml। तो मैंने, आपने क्या करना है, आपने फिर से ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ही टुक 200 ml कोकोनट वाटर। आप भी ले सकते हो 200 ml कोकोनट वाटर एंड फिल इट विद वाटर, और उसको वाटर से फिल कर दो। ही देन, ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने वही लिखना है कि आई देन, ठीक है, ही देन पोर 1 bottle ऑफ वाटर इन अ बिग बॉटल एंड मार्क द वाटर लेवल एज 200। अब 200 पे आपका निशान, अगर आपने 200 ml की बॉटल ली है तो जब आप उसको बड़ी बॉटल में डालोगे तो निशान भी 200 ही लगाओगे ना। फिर आप फिर से डालोगे 200 ml की बॉटल लेके, अब आप निशान कहाँ पे लगाओगे, 400 पे लगाओगे। क्यों लगाओगे 400 पे, क्योंकि 200 + 200 मिलके कितने होते हैं 400, ठीक है। फिर आप फिर से लोगे 200 ml की बॉटल, ठीक है, 200 में यहाँ पे कर दे रही हूँ। आपने शुरू से दोबारा से सारी लाइनें लिखनी है, समझ के सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, फिर आपके पास जो नेक्स्ट आ जाएगा, अब आपने 400 में 200 प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 600 ml, ठीक है। फिर आप अगेन 200 ml की बॉटल लोगे, अगेन उसमें पानी भरोगे, और फिर आप उसको लोगे 800, ठीक है, एंड देन फिर आप करोगे 1000 ml और 1 लीटर पे, ठीक है। एंड डूइंग दिस यू कैन प्रिपेयर योर ओन मेजरिंग बॉटल। ये हो गया आपके उस क्वेश्चन का आंसर, तो आपने इसको यहाँ से इस तरह से चेंज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस एंड चेक, आपने गेस करना है और चेक करना है। लुक एट द बकेट, मग्स, ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस, गेस हाउ मच वाटर ईच कैन होल्ड, चेक इफ योर गेस इज राइट बाय यूजिंग योर मेजरिंग बॉटल। तो आपने क्या कर, आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, अपने बकेट, मग्स, ग्लासेस या और भी कोई चीज जो कि आपके घर में हो, जिसमें कुछ आप सामान डाल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो सकता हो, तो आपने करना है गेस हाउ मच वाटर ईच कैन होल्ड। तो आपने गेस करना है कि हर एक चीज जो है वो कितना वाटर होल्ड कर सकते हो। और आप कैसे चेक कर सकते हो, ये जो आपने अभी ऊपर 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 अपनी बॉटल बनाई थी, आप सभी के लिए होमवर्क है। आप सच में ऐसी बॉटल बनाओगे, उसी को बनाने के बाद आप जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ये दो बच्चे नजर आ रहे होंगे, इन्होंने देखो किचन में आया, इन्होंने ग्लासेस में भरा है, ये जो इनके पास बड़े बड़े से बर्तन हैं, जो भी, उन सबके अंदर ये पानी डाल रहे हैं और उनको मेजर कर रहे हैं। आई थिंक दिस कैन कैरी बिटवीन 250 to 500 ml। ये बोल रही है कि ये वाला जो बर्तन है वो 250 से 500 ml के बीच में भर सकता है। ये बोल रहा है कि I think it's little less than 750। इसके लिए बोल रहा है कि less than 750, थोड़ा सा 750 से कम भर सकता है। तो आपको यही बोला गया है कि पहले आपने गैस लगाना है, जैसे मग है उसमें कितना आ सकता है, आपने खुद से गैस लगाना है। आपने मान लो गैस लगा दिया कि इसमें 50 ml आ सकता है, फिर आपने ये जो मेजरिंग बनाई हुई है उसके थ्रू आपने मेजर करना है अपनी बॉटल के थ्रू, ठीक है। फिर ग्लास के लिए देखना है, तो ये आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना आपके घर में कितने कितने एमएल के बर्तन हैं। तो आपने ये एक्टिविटी करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, पहले गैस लगाना है कि इसमें 50 आ सकता है, इसमें 70, 80 इतना आ सकता है, और फिर आपने एक्चुअल में उसको मेजर करना है जो आपने मेजरिंग बॉटल बनाई है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सभी बच्चों ने अपने आंसर फिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है नीतू इन हॉस्पिटल, तो ये आपको नजर आ रही है लड़की, इसका नाम है नीतू और ये है हॉस्पिटल के अंदर। नीतू हैज टू टेक 3 injections इन अ डे फॉर 5 days, ठीक है। तो नीतू को जो है वो 3 injections लेने हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि ये बीमार हो गई है, तो उसको अब जो इंजेक्शन लग रहे हैं तो उसको एक दिन के अंदर जो वो 3 injections लगेंगे, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड 1 day, तो उसको एक दिन के लिए कितनी मेडिसिन लगेगी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। सेकंड है हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days, तो टोटल 5 दिन के लिए उसको कितनी मेडिसिन लगेगी, मतलब एक दिन के लिए कितनी मेडिसिन लगेगी, फिर पूछा है कि 5 दिन के लिए कितनी मेडिसिन लगेगी। तो पहले यहाँ के इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है ये बोल रहे हैं कि 1 medicine gives 5 ml, 1 injection
गिव्स 5 ml ऑफ मेडिसिन टू योर बॉडी। तो उस डॉक्टर बोल रहा है कि जब मैं एक बार इंजेक्शन लगाऊंगा तो 5 ml जो मेडिसिन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। और ये बोले आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंजेक्शन, बोले कि मैं इंजेक्शन से नहीं डरती हूँ, कि मुझे उनसे डर नहीं लगता, ठीक है। अब ये है हाउ मच मेडिसिन विल आई नीड फॉर वन इंजेक्शन, तो सोचो इतने बड़े से एनिमल को कितने कर इंजेक्शन की जरूरत है। ये तो आपके लिए फन फैक्ट है, आपने गैस करना है, सभी ने कमेंट करके मुझे बताने के कितने कर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी इस एनिमल को इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम अपने इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर वन डे एंड हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days। तो ये भी मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं विद स्टेटमेंट। वैसे तो मैंने आपको बोला था पुरानी वीडियोस में कि आप स्टेटमेंट लिखना सीखो, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट्स थी, तो अगर नहीं कर पाए हो तो मैंने यहाँ पे लिख दी आपके लिए। जैसे वन इंजेक्शन कंटेन 5 ml ऑफ मेडिसिन, ये आपने अभी देखा कि एक इंजेक्शन जो है वो 5 ml मेडिसिन रखता है। अब शी रिक्वायर 3 injections अ डे, और उसको आपको पता है कि उसको जो है वो एक दिन के अंदर 3 injection लगने हैं। सो सी नीड मेडिसिन इन 1 day, तो उसको एक दिन में कितनी मेडिसिन चाहिए, 5 ml इंटू 3 15 ml मेडिसिन। आपको मैंने पहले बताया है, आपको एक चीज की कीमत पता है, आपको बहुत सारी की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक इंजेक्शन में 5 ml जाता है, तो 3 injection में कितना जाएगा, 5 × 3 और 5 × 3 जो होते हैं 15, तो 15 ml मेडिसिन लगेगी। तो ये हो गया उसका फर्स्ट क्वेश्चन कि एक दिन के लिए कितनी की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि उसको 5 दिनों के लिए कितनी, तो सेम है, एक दिन की आपको पता लगी कि उसको 15 ml चाहिए, है ना। अब आपको पूछा 5 दिन की, तो क्या करेंगे, 15 × 5। ऑलराइट, तो 15 × 5 जो आपको पता है 75 होते हैं, तो उसको चाहिए 75 ml मेडिसिन। और यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज लिख के दे दिया है कि इन अ डे शी इज गेटिंग 15 ml मेडिसिन, सो इन 5 days मेडिसिन इन ऑल इज 75 ml। हाउ वी गेट टू नो दिस, 15 ml मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास आंसर आ गया 75 ml। आई होप आप सभी को 15 का टेबल आता होगा, अगर आपको आता है तो आप आसानी से निकाल दे सकते हो, और नहीं भी आता है तो 5 5 जो 25, 2 कैरी 5 1, 5 5 जो 25, 5 2 कैरी आ गया यहाँ पे, 5 1 जो 5 प्लस 2 हो गया हमारे पास 7, तो भी 75 आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम, हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम, कि हम एक टाइम के ऊपर किस चीज को कितना यूज करते हैं। जैसे आई ड्रॉप है, वी यूज लेस देन 1 ml एट अ टाइम, राइट, कि अगर आपके आईज खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर एक आई ड्रॉप देते हैं, ऐसी छोटी सी बॉटल होती है, वो आई ड्रॉप देते हैं कि आईज में डालना, आपकी आईज ठीक हो जाएंगी, तो वो 1 ml से भी हम कम जो है वो उसको अपनी आंख के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पे ऐसी लिस्ट बनानी है, जैसे आपने मान लो कि अगर आप जो है वो ड्रिंक कर रहे हो, वाटर ड्रिंक कर रहे हो, तो आप कितना पीते हो एक बारी के अंदर, एक टाइम पे। अगर आप अभी पानी पी रहे हो, मान लो अभी वीडियो देख रहे हो, आप साथ में पानी पी रहे हो, तो आप कितना, 1 glass पियोगे, और आपके 1 glass के अंदर कितना पानी आ सकता है वो आप अपनी मेजरिंग बॉटल से फाइंड आउट कर सकते हो। तो उस तरह से आप यहाँ पे आपने लिस्ट बनानी है, क्योंकि अभी जो चीजें हैं आप खुद अपने बारे में खुद ही बता सकते हो कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो उनमें आप कितना इस्तेमाल करते हो किसी भी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट, थिंक वी यूज मोर देन 1 liter एट अ टाइम, अपने ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जिनका हम इस्तेमाल 1 liter से ज्यादा करते हैं एक टाइम के ऊपर। जैसे कि वॉटर फॉर टेकिंग बाथ, कि जब भी हम नहाते हैं तो ऑब्वियसली आप 1 liter पानी से ज्यादा ही लेते हो, आपकी एक बकेट होती है उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, तो आप 1 liter से तो ज्यादा से नहाते हो, तो इस तरह से है। अब आप खुद ही यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सी चीज के लिए जो वो 1 liter से ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे हम कुकिंग फूड, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कुकिंग फूड, तो फूड को कुक करने के लिए, क्योंकि हम चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, और भी अगर हम डो बना रहे हैं, आटे को गूंथ रहे हैं, तो उसमें हर जगह पानी लगता है, तो ऑल ओवर हमें 1 liter से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है किसी खाने को बनाने के लिए। तो अब आपके लिए 2 homework में बच गए हैं, आपने 2 ऐसी और चीजें बतानी है जिनके लिए हमें 1 liter से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, क्योंकि इससे पहले आपको सिखा दिया है किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपने उनका सोल्यूशन निकालना है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन इज एमिनाज वाटर बॉटल, जो एमिनिया एमिनियास का जो वाटर की जो वाटर बॉटल है,
वो 1 लीटर की है, ठीक है। शी ड्रिंक 250 ml ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रिंक 150 ml वाटर। कि जो एमिना है उसकी बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर की है, ठीक है, पर उसने खुद 250 ml वाटर पिया और उसका जो फ्रेंड है उसने 150 ml वाटर उससे पी लिया। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल। तो कितना आसान है, जैसे मान लो कि आपकी एक बॉटल है ना, ये आपकी बॉटल है और इसके अंदर पानी आता है 1 लीटर, है ना। 1 लीटर का आपको पता है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। आपको मैं इतनी शुरू से वीडियो से बताती आ रही हूँ कि 1000 मिलीलीटर को हम 1 लीटर बोल सकते हैं, 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं। तो उसमें से 250 मिलीलीटर तो आपने पी लिया, 150 मिलीलीटर आपके फ्रेंड ने पी लिया। टोटल कितना पी लिया आपने पानी, 0, 5 + 5 = 10, 2 + 1 = 3 और 3 + 1 = 4, 400 ml पानी आप दोनों ने मिलके पी लिया। अब इस बॉटल के अंदर कितना पानी बचा है, 1000 उसमें पानी था, उसमें से 400 ml आपके और आपके फ्रेंड ने मिलके पी लिया, तो कितना बचा, 1000 - 400, ठीक है, जितना बचा उसको माइनस करेंगे, 0, 0। अब 0 में से 4 माइनस होते नहीं है, यहां से हम लेंगे कैरी, ये बन गया 10, 10 में से 4 माइनस किया, आ गया हमारे पास 6 और यहाँ पे 0 बचा, यानी कि 600 ml वाटर लेफ्ट आउट रहा है। तो इसका आंसर तो होगा 600, पर आपने ऐसे नहीं लिखना है, स्टेटमेंट वाइज लिखना है, तो मैंने आपके लिए स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये लिखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट, टोटल वाटर होल्ड इन वाटर इन बॉटल इज इक्वल टू 1 लीटर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 1000 मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर वाटर ही होता है। सो टोटल वाटर दे ड्रिंक, टोटल वाटर उन्होंने जो पी लिया है कितना पिया, वाटर ड्रंक बाय एनीमा, कि एनिमा ने कितना पानी ड्रिंक किया है पहले वो, प्लस वाटर ड्रंक बाय गोविंद, गोविंद ने कितना पानी पिया, मतलब उन दोनों ने जितना पानी पिया टोटल उतना तो खत्म हो गया ना उस बॉटल में से, तो वो हो गया 250 + 150, मैंने अभी आपको प्लस करके दिखाया, वो हो गया हमारे पास 400 मिलीलीटर। अब वाटर लेफ्ट इन हर बॉटल, अब उसकी बॉटल के अंदर कितना पानी बचा, 1000 मिलीलीटर माइनस 400 मिलीलीटर करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 मिलीलीटर। तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और यहां से आंसर को लिख लेना है, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है यूसुफ रन्स अ टी शॉप, यूसुफ रन्स अ टी शॉप फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी, ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क। जो यूसुफ है यहाँ पे वो दौड़ के आया और उसने टी शॉप वाले को बोला कि आप हमारे लिए एक ग्लास चाय बना दो, और वो एक ग्लास चाय को बनाने के लिए 20 ml वो जो है मिल्क का यूज कर रहा था। यस्टरडे ही मेड 100 glasses ऑफ टी, पिछले दिन जो है उसने 100 glass जो है वो टी के बनाए। देन हाउ मच मिल्क डिड शी यूज, सेम क्वेश्चन आ गया, एक ग्लास के लिए वो 20 ml यूज कर रहा है, तो 100 glasses के लिए वो कितना यूज करेगा, obviously 100 × 20, यही हुआ ना, कि अगर आप जो है वो एक ग्लास पानी पीते हो तो एक ग्लास पानी के अंदर मान लो 20 ml वाटर है, अगर आपने 100 glass पानी पीने तो आप कितना पानी पी लिया आपने, 100 × 20। या फिर मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं, मान लो कि एक ग्लास में 20 ml वाटर आता है, ठीक है, आपने पीने 5 glass, तो आपने एक और ग्लास पिया तो और 20 ml पी लिया, एक और ग्लास पिया तो और 20 ml, एक और 1, 2, 3, 4, 5, 5 glass हो गए। टोटल कितना हो, सभी प्लस कर दो जल्दी से, 0, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, तो ये हो गया 100 ml, ठीक है। और अगर हम इसको 100 ml आपने वाटर पी लिया, और सिंपल तरीके से अगर हम प्लस ना करके सीधा आसान तरीका होता 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 0 = 0, 5 × 2 = 10, 100 ml। तो ऐसे एडिशन को आसान करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ऐसे आंसर निकलेगा। मैंने यहाँ पे इसको भी लिख दिया है आपके लिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको आंसर दिखा देती हूँ, एक मिनट आप करके, तो ये रहा आंसर। फॉर मेकिंग 1 glass of tea मिल्क इज यूज इज इक्वल टू 20 ml यूज और था देयर फोर, ये जो निशान होता है 3 dot वाला उसको हम देयर फोर बोलते हैं, देयर फोर फॉर मेकिंग 100 glasses ऑफ टीज मिल्क इज यूज, तो मिल्क कितना यूज होगा इज इक्वल टू 20 ml मल्टीप्लाई बाय 100, मैंने अभी आपको मल्टीप्लीकेशन करके दिखाया, तो कितना हो गया हमारे पास 2000 ml मिल्क जो है उसने वो यूज किया, ठीक है, समझ गए आप सभी, ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राधास ग्रैंडमा वॉज इल, जो राधा है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, तो उसकी जो ग्रैंडमा मतलब उसकी जो दादी जी हैं वो बीमार हैं। द डॉक्टर गेव हर अ बॉटल विद 200 ml ऑफ मेडिसिन, तो जो डॉक्टर हैं उसने उनको 200 ml की मेडिसिन की बॉटल दी। आपने भी देखा होगा जब शॉप पे जाते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हो केवल आपको पीने की दवाई दी जाती है, तो उसमें कितना होता है वो हर एक बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि कितने ml उसके अंदर है, तो आप सभी चेक करके देखेंगे अभी आज घर में, ठीक है। शी हैज टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 days, उसको जो है वो बोला गया था शी हैज टू टेक मेडिसिन, उसको जो मेडिसिन को लेना था हर एक मॉर्निंग फॉर 10 days के लिए, 10 दिन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी गेव टू टेक एवरी मॉर्निंग, तो उसको हर मॉर्निंग कितनी मिलीलीटर जो है वो ये जो मेडिसिन है वो ले लेनी है। तो आप यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप इन चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो उसका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेशन देखो कि आपका एक्चुअल लाइफ में उसका कहाँ यूज हो रहा है, तभी आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब जैसे ये ग्रैंडमा वाला जो आपको सीन बताया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दादी जी आपके, मान लो कि आप अपने दादी जी के साथ शॉप पे मतलब हॉस्पिटल जाते हो, तो उनको दवाई दी जाती है, अब उनको क्या पता है कि उनको कितनी कितनी लेनी है, अगर वो 200 ml की बॉटल है तो आप अभी सीख लोगे, और अगर जब भी अगर आपकी दादी जी कोई दवाई लेती होगी तो आप उनको बता दोगे कि दादी जी आपको इतनी सी दवाई जो है वो आज लेनी है, इतनी सी अगले दिन लेनी है, तभी वो 10 दिन के लिए अंदर खत्म हो गया। तो अगर वो ज्यादा पी लेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और कम कम पियेंगे तो बच जाएगी और अच्छे से वो ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आंसर इज इन 10 days राधास ग्रैंडमा हैज टू टेक कितनी 200 ml ऑफ मेडिसिन, यही है ना आपको बोला कि 10 दिन के अंदर राधमा की जो ग्रैंडमा है उनको 200 ml मेडिसिन लेनी है, ठीक है। सो इन 1 day शी हैज टू टेक, तो आपको समझ में आ गया ना डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया, कैसे आया, क्योंकि आपको 10 दिन के बारे में बता दिया, आपसे एक दिन के बारे में पूछा जा रहा है और आपको बोला है तोड़ तोड़ के लेनी है, मतलब डिवाइड करना है आपको, हम जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा होता है कि एक दिन का बताया होता है और बहुत सारे दिनों का निकालना होता है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सो इन 1 day शी हैज टू टेक 200 ml डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा दिया है, 10 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि 10 दिन के लिए निकाले तो हम 10 से ही डिवाइड करेंगे। आपको पता है कैसे करते हैं, पहले हम 2 के लिए देखेंगे, अब 2 जो है वो 10 से छोटा इसलिए टेबल नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये बन गया 20। अब 10 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 10 2 जो 20 होते हैं, ये 0 बन गया, अब ये वाले 0 को नीचे उतारेंगे, 10 0 जो 0 और यहाँ पे 0 आ गया, और अगेन 0 करके आप 0 0 कर सकते हो, यही समझो जब भी हम 0 को नीचे उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 हम लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 20 ml, तो उसको हर दिन 20 ml मेडिसिन लेनी है, और अगर ऐसे ऐसे करके वो 20 ml लेती रहेगी तो 10 दिन के अंदर उसकी 200 ml की बॉटल फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता लग गया ना कि आपको कैसे दादी माँ को बताना है अपनी, तो वैसे ही आपने करना है, समझ गए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर वाटर द टेबल शो द वाटर यूज्ड इन 1 day बाय अ फैमिली ऑफ 5 people, दे लिव इन गोदलवर विलेज, ठीक है, गुडलोर विलेज में वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लोग जो हैं वो कितना पानी यूज करते हैं एक दिन के अंदर वो बताया गया है, एक्टिविटी क्या क्या एक्टिविटी है और कितना वाटर जो है वो इन लीटर में यूज किया जा रहा है। जैसे कुकिंग एंड ड्रिंकिंग मतलब खाना को पकाने के लिए और पीने के लिए 30 लीटर वाटर का यूज किया जा रहा है। वॉशिंग क्लोथ मतलब क्लोथ को वॉश करने के लिए 40 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स मतलब कि बर्तनों को मतलब घड़ों को साफ करने के लिए, और जो पैन्स है मतलब बर्तनों को साफ करने के लिए 20 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाथिंग नहाने के लिए 75 लीटर वाटर का यूज किया जा रहा है। तो टोटल वाटर यूज बाय देम, तो टोटल वाटर कितना यूज कर रहे, प्लस कर दो सारे को, आंसर आ गया 0 0 0 और 5, ये आ गया 5, 3 + 4 कितने होते हैं 7, 7 + 7 हो गया 14, 14 + 2 हो गया 16, तो 165 लीटर वाटर जो है वो यूज कर लेने। सभी बच्चे ना प्लस अच्छे से करके मुझे बताएंगे, ठीक है। 7 + 2 कितने होते हैं 9, 9 + 4 कितने होते हैं 13, 13 + 3 कितने होते हैं 16, तो आ गया 165 लीटर वाटर का वो यूज करें। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे, गेस एंड फिल द टेबल। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो कि आपके घर में इन अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए कितना पानी यूज होता है, जैसे कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए कितना होता है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए कितना होता है, क्लीनिंग ऑफ पॉट्स के लिए और पैंस के लिए कितना होता है, वाटर यूज इन बकेट्स,
तो आपको ऑब्वियसली ये तो पता नहीं होगा कितने लीटर में है, तो आप जो है वो ऑब्वियसली बाल्टी वगैरह का बकेट का यूज करते होंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना है कितनी बकेट्स के यूज हो, जैसे दो बकेट यूज हो यहाँ पे चार हो गए, यहाँ पे दो हो गई। अब उन हर एक बकेट के पता होता है कि इस बकेट के अंदर इतना पानी आ सकते हो, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे आप लीटर में लिख सकते हो कि कितने लीटर का इस्तेमाल हुआ है। समझ गए। नेक्स्ट है ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशियन, कि बूंद बूंद से सागर बनता है, आपने सुना होगा। इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग, अब बोले कि आपके घर में या आपके स्कूल में कोई ऐसा टैप है, मतलब ऐसा नल है जो लीक करता हो, मतलब उसमें से पानी निकलता रहता हो। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग वाटर, आपको क्या लगता है कि हम कितना वाटर जो है वो वेस्ट कर सकते हैं लीकिंग वाटर से? तो हम बहुत सारा पानी वेस्ट कर सकते हैं अगर वो कंटिन्यू लीक होता रहे, तो इवन हम 1000 लीटर तक जो है वो वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप इन द बॉटल, नोट द टाइम आफ्टर 1 आवर, चेक हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, एक वाटर बॉटल लेनी है या कोई भी आपने बकेट ले लिया, वे आपने क्या करना है जहां पे भी टैप लीक हो रहा है उसके नीचे आपने उसको रख देना है। ठीक है। नल को बंद कर देना है जो लीक हो रहा है टैप, उसके नीचे उसको रखना है, फिर आपने 1 घंटे के बाद आना है और टाइम देख के उसके बाद आपने देखना है कि वो बॉटल कितनी भरी हुई है, मतलब कितना पानी वेस्ट हो जाता है 1 घंटे के अंदर ही। ठीक है। तो इससे आपको वैल्यू पता लगेगी कि पानी जो है वो लीक होते हुए से भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए हमें उनको अच्छे से प्रॉपरली ठीक करवा के रखना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे, फिर उसी तरह से आपने पता करना है कि एक दिन के अंदर कितना पानी वेस्ट हुआ, उसी तरह से आपने पता करना है एक वीक के अंदर कितना हुआ, एक मंथ के अंदर और एक ईयर के अंदर। मतलब उसके लिए आपको जो लीक हो रहा नल होगा उसके ऊपर नीचे जो है बर्तन को रोज रख के आना है और पूरे दिन की एक्टिविटी देखने की। और फिर इसके लिए आपको हर दिन जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको एक दिन का पता है, मान लो एक दिन के अंदर 100 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक हफ्ते के अंदर कितना होगा, एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया 700 लीटर हो जाएगा। एक मंथ के अंदर अगर 31 डेज का आप मंथ ले रहे हो तो 31 से करो, या 30 डेज का ले रहे हो तो 30 × 100 करोगे तो आपको पता लग जाएगा 1, 2, 3 और 3, यानी कि 3000 लीटर आप वेस्ट कर दोगे। एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, तो जब आप 365 डेज को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो है वो 1 × 10 100 1000 × 10 की 36500 लीटर वाटर को वेस्ट कर दोगे। ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, और मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी है स्टेटमेंट वाइज कि इन अगर मान लो मैं आपके ऐसे एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि इन 1 आवर 1 लीटर वाटर इज वेस्टेड, कि मान लो कि आपने जब बॉटल रखी थी तो मान लो कि 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, सो इन 1 डे, एक दिन के अंदर कितना पानी वेस्ट हुआ होगा, तो आपको पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो मतलब 24 घंटे के अंदर कितना पानी वेस्ट हो वो हम निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर 1 घंटे में हो रहा है, 24 घंटे में कितना होगा, 1 लीटर × 24, आ गया आंसर 25 लीटर। ठीक है। तो उसी तरह से आपने चलना है, यहाँ पे 1 आवर कर दिया, फिर उसके बाद आप 1 वीक करोगे, फिर 1 ईयर करोगे, और 1 ईयर 1 वीक 1 मंथ, ऐसे करके स्टेटमेंट यही रहेगी। बस यहाँ पे जो है वो आपने वीक करना है, फिर आपने मंथ लिख देना है, फिर ईयर लिख देना है अलग अलग करके। ठीक है। नेक्स्ट है चलनौर विलेज हैज अ मिल्क सोसाइटी। ठीक है। गीता एंड एमिनी वेंट देयर टू बाई 4 लीटर ऑफ मिल्क, बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर, ही हैड ओनली 3 लीटर एंड 5 लीटर बॉटल विद हिम, बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क, एक्सप्लेन हाउ ही डिड। तो यहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे गीता और जो एमिनी है वो जाते हैं और वो 4 लीटर जो है वो मिल्क लेके आते हैं। ठीक है। पर जो मैन है जो उस मिल्क को बेच रहा है उसके पास सिर्फ 3 लीटर की और 5 लीटर की बॉटल है। ठीक है। विद हिम ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क, पर उसने उसी के साथ उनको 4 लीटर जो वो मिल्क पूरा का पूरा दे दिया। अब आपसे पूछा गया है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा उसने अंदर। ठीक है। तो कैसे किया होगा, पहले उसने क्या किया होगा, फर्स्ट ऑल मेजर 2 टाइम्स विद 5 लीटर बॉटल, पहले उसने क्या किया, 2 बार 5 लीटर बॉटल से मेजर किया इन ए कंटेनर विच बिकम 5 × 2 10। मान लो कि एक कंटेनर है ऐसे करके, इसके अंदर आता है 5 लीटर मिल्क। ठीक है। तो उसने एक बार 5 लीटर मिल्क लिया और उसको और बड़े से कंटेनर के अंदर डाल दिया, फिर उसने फिर से एक और डाल दिया, 2 बार उसने 5 5 लीटर डाल दिया, तो 5 × 5 हो गया 10, या 5 × 2 टाइम्स किया तो ऐसे भी कर सकते हो 10, यहाँ पे लिख दे 10 लीटर। देन उसने क्या किया, देन ही
पोर आउट 3 लीटर ऑफ मिल्क थ्राइस। फिर उसने तीन बार जो है, उसके पास एक 3 लीटर का कंटेनर भी था, पर अब उसने ये जो बड़ा सा कंटेनर था जिसके अंदर 10 लीटर डाला हुआ था, उसमें से उसने तीन बार तीन तीन लीटर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। देन ही पोर आउट 3 लीटर ऑफ मिल्क थ्राइस, बाय दिस वे ही पोर्ड अ टोटल 10 टोटल मिल्क, 3 लीटर × 3 = 9 लीटर, ठीक है। उसने अलग से कंटेनर में ऐसे किया, उसने इसमें नहीं किया, उसने एक अलग से कंटेनर में तीन तीन लीटर के तीन बार उसमें डाल दिए, ये हो गया टोटल 9 लीटर, ठीक है। द मिल्क लेफ्ट इन अ कंटेनर इज 1 लीटर। अब जो उसके पास कंटेनर था जहां से वो मिल्क निकाल रहा था, उसके पास सिर्फ बचा, नहीं जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही किया उसने, ठीक है। अब जब उसने इसमें से, इस बड़े से कंटेनर में से तीन बार निकाल लिया, तो 10 में से 9 लीटर तो उसने निकाले, उसके पास सिर्फ 1 ही लीटर बचा। अब बहुत आसान है, अब उसने क्या किया, यूजिंग दिस प्रोसेस मिल्कमैन गेव 1 लीटर ऑफ मिल्क यूजिंग 3 लीटर और 5 लीटर बॉटल, ठीक है। आसान था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें उसने 5-5 लीटर के दो बार डाले, ये बन गया 10 लीटर। फिर उसने इसमें से 3 लीटर के तीन बार निकाल दिए, तो जब 3 लीटर के तीन बार निकाल दिए तो 9 लीटर हो गया। अब इसमें कितना बचा, सिर्फ 1 ही लीटर बचा ना इसके अंदर, और उसने एक एक 3 लीटर वाला तो उनको दे दिया था, अब 1 लीटर जो बचा था उसने यहाँ से देके 4 लीटर पूरा दे दिया। तो आप यहाँ से स्टेटमेंट अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में है तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोज रिकमेंड कर सकते हो, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हमने सब कुछ पढ़ाया है। थैंक यू।